क्या झारखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ चला है? क्या विधानसभा के अंदर नमाज कक्ष की घोषणा तुष्टिकरण की राजनीति थी? क्या सरकारी स्कूलों में उर्दू शब्दों का प्रयोग और प्रार्थना के तरीकों में बदलाव इस्लामीकरण की ओर बढ़ा पहला कदम है? क्या बंगाल और बांग्लादेश से सटे इलाकों में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या? भारतीय जनता पार्टी इन सभी सवालों का जवाब हाँ में देती है। जब रविवार को छुट्टी है तो रविवार को छुट्टी होना चाहिए। अगर आगे आप शुक्रवार को छुट्टी देते हो तो मंगलवार को भी हम लोग को छुट्टी दीजिए। मंगलवार में हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे करते हैं, मंगलवार को भी आप छुट्टी दीजिए। ये हम लोग की मांग है। क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जब से सरकार बनी है तब से इनका तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। भाजपा का एक आरोप यह भी है कि बाहर से आए मुसलमान बड़ी संख्या में आदिवासी युवतियों से शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ तक कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर उन पर अपने आशियाने बना रहे हैं। ये न सिर्फ आदिवासी संस्कृति के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। आपको सरकार को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बेवजह आप तूल दे रहे हो। जामतरा से आपने शुरुआत कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट में आप ये काम कर रहे हो। पहले आपको नहीं दिखा था क्या? आप कहाँ थे पहले? आप आज आप कौन होते हैं इस तरह निर्णय लेने वाले? आज मैं सरकार के सामने बात रखूंगा कि आज देखिए हिंदू समाज भी चाहता है कि नहीं उर्दू लिखा जाए वहाँ। आदिवासी लोग तीर धनुष लेकर खड़े हैं कि नहीं उर्दू को हम नहीं मिटने देंगे। तो जब समाज चाह रहा है तो आप कौन होते मिटाने वाले भाई? झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है इस पर तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं। लोहरदगा में दो बार हिंसा हुई, रांची में पथराव हुआ, बरही में रूपेश पांडे की हत्या हुई। अब तो आरोप ये लग रहे हैं कि झारखंड के खनिज संसाधन बड़े पैमाने पर बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। संथाल में पशु तस्करी और सोने की स्मगलिंग की भी खबरें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, रांची।